आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत छप्पे छंद के लक्षणों का अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद है, अर्थात इस छंद के समचरणों में समानता नहीं पाई जाती और ना ही विषम व समचरणों के लक्षण समान पाए जाते हैं। इस छंद में अलग अलग संख्या में समानता पाई जाती है, इसलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आपका कुंडलिया छंद भी था, यह छंद रोला व उल्लाला छंद के मेल से बनता है, अर्थात रोला छंद में 11-13 मात्राओं पर यति व उल्लाला छंद में 15-13 मात्राओं पर यति होती है। इस छंद में कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण व अंतिम 2 चरणों में उल्लाला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। देखिए, यह उदाहरण एक कहानी के माध्यम से याद रह सकता है कि वर्षा काल के समय नीले आकाश से वर्षा हो रही थी और जल एक स्थान पर एकत्र हो गया। वहाँ कुछ बालक जल में कूद रहे थे और जब एक बालक जल में कूदा तो आसपास खड़े बालकों पर वह गंदा जल गया। तब उनमें से एक बालक ने कहा, अल्लाह ये क्या कर दिया, और वह रोने लगा। देखिए, अल्लाह यह क्या कर दिया से आपको याद रहेगा उल्लाला छंद, और रोने से याद रहेगा रोला छंद। तो रोने की स्थिति ज़्यादा रहेगी, इसलिए रोला छंद की 4 पंक्तियाँ हैं और उल्लाला छंद की 2 पंक्तियाँ हैं। देखिए उदाहरण, अब नीला आकाश है, वर्षा हो रही है, तो उससे आपको यह याद रहेगा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल हैं, बंदीजन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।